नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आती हो तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मैं दुर्गेश और आपके बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। ये एम आई अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका बाईपास, एम आई अकाउंट बाईपास पर जो लेटेस्ट हैंड फ़ोन है वो बाईपास नहीं होगा फ्रेंड, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो पहले के जो अभी फ़ोन है, मतलब इसमें आपका मैं बता दूँ 80% फ़ोन हो जाएंगे, बट जो लेटेस्ट नया फ़ोन है वो आप ट्राई कर सकते हो। बाद में ये कमेंट मत करिएगा कि ये फेक है ये है, मैं जितना हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल आप मत देखिए, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप इस वीडियो को समझें और सारी चीज़ें, इसकी भी लिंक कैसे मिलेगी ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी लिंक कैसे होगी, इस टूल को कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बट आप फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमेशा आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो मैं आज आप एक टूल के बारे में बता रहा हूँ, एम आई अकाउंट बाईपास के बारे में मैं बताऊंगा। सोमी रेडमी एक ही होता है ये, इसके बाईपास एम आई अकाउंट के बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए उस टूल के बारे में आपको इंट्रो कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एम आई अकाउंट अनलॉक टूल। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम आई अकाउंट अनलॉक टूल, ये है बाईपास टूल है फ्रेंड्स, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस खुल चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका एम आई अकाउंट अनलॉक टूल, एम आई अकाउंट अनलॉक टूल है फ्रेंड्स। मैं बता दूँ ये आपका एम आई अकाउंट बाईपास टूल है, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है। आप इसको डायरेक्शन को पढ़ेंगे तो प्लीज़ इंटर रिकवरी मोड एंड कनेक्ट टू पीसी, मतलब आपको फ़ोन को, अपने फ़ोन को, एम आई फ़ोन को आपको रिकवरी मोड पे ले जा करके फ़ोन को कनेक्ट करना है। और आप जो पता नहीं है कि रिकवरी मोड कैसे कनेक्ट करते हैं फ्रेंड, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि फ़ोन को रिकवरी मोड पे कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं इसका आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो ये मैं वो भी बता दूंगा कि आप फ़ोन को कैसे कनेक्ट करते हैं फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें आपको हम बता दिया जाएगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट बाईपास हो जाता है, मैंने बहुत सारे फ़ोन को ये एम आई अकाउंट इससे हटाए हुए हैं फ्रेंड्स। अगर आपका एडीबी जो आपका रिकवरी मोड में ड्राइवर नहीं क्रिएट होगा इसलिए वो कनेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो मैं लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगा कि आप फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है, रिकवरी मोड क्या होता है, फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं लिखा हुआ है बाईपास एम आई अकाउंट, लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स बाईपास एम आई अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस टूल को बस क्लिक करना है और फ़ोन को कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपका डन चुटकी में हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं चुटकी में बाईपास हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप, मैं अभी इसके जस्ट बाद आपको दिखा दूंगा कि फ़ोन को रिकवरी मोड पे कैसे लाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से बाईपास एम आई अकाउंट कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें आप रिकवरी मोड को भी आपको बताया जाएगा। फ्रेंड्स, फ़ोन को आपको प्रॉपरली बंद कर लेना है और पावर की और इसकी वैल्यूम अप दोनों एक साथ आपको प्रेस करनी है फ्रेंड्स। अब जैसे ही फ़ोन हमारा ब्लिंक हो तो आपको पावर की छोड़ देना है और वैल्यूम अप दबा के रखना है। ये मैं आपको रिकवरी मोड भी बता दे रहा हूँ, जिनको पता है वो रिकवरी में। फिर आपको जाना है कनेक्ट विथ एम आई अकाउंट एसेस, फिर इसमें आपको क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं ये रिकवरी मोड पर चला गया है। अब इसको आपको फ़ोन को बस सिंपली कनेक्ट करना है, नहीं तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स।